नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विनोद भरद्वाज एक बार पुनः आपके साथ में आ गया हूं और आज एक विशेष कार्यक्रम लेके आया हूं और आपकी जानकारी के लिए यह कार्यक्रम निश्चित रूप से बेहद आवश्यक साबित होने वाला है, क्योंकि मित्रों जीवन में आप बहुत कुछ कमाते होंगे, बहुत कुछ कमाए होंगे, परंतु एक घर होता है जो हमारे जीवन में एक तरह से सपनों का संसार होता है और उसी घर में मुख्य द्वार होता है जहां से हम प्रविष्ट करते हैं अपने सपनों के संसार में। अपने परिवार के साथ उसी मुख्य द्वार से हम अंदर जाकर के घुलते मिलते हैं। मित्रों, अगर घर का मुख्य द्वार वास्तु के अनुरूप नहीं है या आपके घर का मुख्य द्वार कहीं किसी तरह से भेद हो रहा है, मतलब बेधित हो रहा है, बाधित हो रहा है, तब भी आपके घर के लिए ये अच्छा नहीं है और घर के उन सदस्यों के लिए भी अच्छा नहीं है जो उस घर में रह रहे हैं, क्योंकि मुख्य द्वार से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके घर में जाता है। जैसे आप कहीं से आते हैं, मुख्य द्वार आपका प्रतीक होता है, आपके फेस को पहले देखता है और वह अगर अव्यवस्थित है तो आपका मन मस्तिष्क अस्त व्यस्त हो जाता है, जिनके कारण परिवार में तमाम प्रकार से टकराव देखे जाते हैं। वास्तु शास्त्र में तो यहां तक कहा गया है कि घर का द्वार एक एक इंच नाप करके ही मुख्य द्वार बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर का मुख्य द्वार में एक तिहाई हिस्से को छोड़ करके ही मुख्य द्वार की स्थापना की जाती है, मतलब आप अपने मकान का पूरे जो लंबाई चौड़ाई है जो सामने की फ्रंट की, उसे आप नाप करके चार भागों में आप जो डिवाइड करें, उल्टे हाथ अगर आप अपने मुख्य गेट के बाहर की ओर मुंह करके खड़े हों और उल्टे हाथ का तीन हिस्सा छोड़ करके जहां पे तीसरा हिस्सा समाप्त होता है, जहां से चौथा हिस्सा शुरू होता है, वहां पे मुख्य द्वार हो तो निश्चित रूप से सुख शांति का प्रतीक माना जाता है। मित्रों, अगर आपके घर के सामने कोई दीवार है, अमूमन आजकल तो शहर में हो ही जाती है, तो इस तरह से आपका जो वास्तव में घर है वो द्वार वेद का कारण बन जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दीवार का मतलब होता है छत सहित दीवार। अगर आपने बाउंड्री कर रखी है, उस पर छत नहीं डाली है, तो वो द्वार वेद में नहीं आता है। तो कोई अगर विशाल दीवार है, उस पर छत लगा हुआ है, तब द्वार वेद होता है। ऐसी स्थिति में घर में आर्थिक हानियां होनी शुरू हो जाती हैं। इसके लिए क्या कार्य करना है, मैं आगे इस कार्यक्रम में जरूर बताऊंगा। यदि आपके मुख्य द्वार के सामने कोई विशाल पेड़ है जो आपके गेट के बिल्कुल सामने है और लगभग मान के चलो कि इतनी दूर तक माना जाएगा, जैसे कि आप 200 मीटर के अंदर अगर कोई एक विशाल वृक्ष है और वह आपके द्वार के सामने है, तब भी द्वार दोष होता है, मतलब उसे द्वार दोष कहा जाता है। इसके होने से घर में बीमारियों का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है। यदि घर के सामने कटीले वृक्ष हों जिसमें कांटे हों, तब भी द्वार वेद हो जाता है और ऐसे घर में तमाम प्रकार के दुख व्याप्त हो जाते हैं। माता लक्ष्मी की नाराजगी भी उस घर के लोगों को झेलनी पड़ती है। अब यदि आपके घर में द्वार वेद है, तब आप उपचार क्या करें? उस घर का जो भी मुखिया हो, उसके 9 अंगुल, 4 4 8, ये 4 अंगुली ये 8, एक अंगुली और लगा दो 9, 9 अंगुली नाप करके आप दोनों दरवाजों का जो पल्ला है या एक दरवाजे का पल्ला, जैसे भी आपके घर में हो, एक का है तो एक ही साइड में लिखा जाएगा, दो साइड से बंद होता है तो दोनों पे लिखा जाएगा, 9 अंगुल लंबा 9 अंगुल चौड़ा आप स्वस्तिक सिंदूर से और घी मिश्रित करके यदि आप 9 अंगुल का स्वस्तिक बना देंगे तो निश्चित रूप से द्वार वेद समाप्त होगा। तो द्वार वेद समाप्त होगा तो मिलेगा क्या?
द्वार भेद समाप्त होने के बाद घर में तमाम प्रकार की अस्त व्यस्तताएं अगर चल रही हैं करके देखिएगा, शांति मिलेगी, क्योंकि स्वस्तिक शांति का प्रतीक है, स्वस्तिक सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। स्वस्तिक को यदि हम सबसे पहले देखते हैं तो निश्चित रूप से हमारे दिमाग में जितना भी कलमश है, जितना भी दोष है, वह स्वस्तिक खींच लेता है, हमारे दिमाग को फ्रेश कर देता है, बिल्कुल स्वच्छ कर देता है। आपके घर में यदि अधिक बीमारियां हैं तब भी आप इस प्रयोग को जरूर आजमा के देखिएगा, निश्चित रूप से आपके घर से बीमारियां दूर हो जाएंगी। यदि आपके घर में तमाम प्रकार से कलह उत्पन्न हो जाती है छोटी छोटी बातों पर, तो आप इस स्वस्तिक को बना करके देख लीजिएगा, जैसे द्वार भेद समाप्त होगा निश्चित रूप से आपके घर में शांति अवश्य आ जाएगी। क्योंकि अमूमन आज के परिवेश में देखा जा रहा है कि वास्तु दोष में द्वार भेद जरूर हो जाता है, क्योंकि लोग एक छोटे से मकान में अपनी आवश्यकता के अनुसार द्वार तो जरूर खोल लेते हैं, लेकिन वह द्वार निश्चित रूप से जीवन के लिए नरक का द्वार हो जाता है। तो यदि आप स्वस्तिक बना के देखेंगे तो वही द्वार आपके लिए स्वर्ग का द्वार हो जाएगा। यदि कार्यक्रम अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।